जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म स्किन फॉर डेथ सेंटेंस के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जेम्स नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जिसको बुरी तरह पीटा गया था और उसके मुंह पे बोरा बांध रखा था। एक गैंग का बंदा लेकर उसे ग्रेवयार्ड में जाता है और वहीं पे वो उसे जबरदस्ती उसकी ग्रेव खुदवाता है। जेम्स उससे कहता है कि वो उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि आज वो मर के ही रहेगा। जेम्स अब वहां पे गड्ढा खोद रहा होता है तो अचानक से उसे वहां पे एक हाथ नजर आता है जो कि मूव कर रहा होता है और ये देख वो हैरान हो जाता है। ये देखकर वो उस बंदे से कहता है कि अंदर जो कोई भी है उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो बंदा अपनी गन निकालता है और उसे शूट करने लगता है, लेकिन उस हाथ ने उसके पैर पकड़े हुए थे जिसकी वजह से उसे गोली नहीं लगती और वो उसकी गोली छीन के उल्टा उसी बंदे को मार डालता है। उसके बाद वो उस हाथ को पकड़ के बाहर निकालता है और उसे पता चलता है कि वो एक लड़की का हाथ था जो कि अभी जिंदा है और उसे जिंदा ही गड्ढे में गाड़ दिया गया था और उसकी वजह से उसकी जान बच गई। जेम्स लड़की को देख के हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर जरूर कोई शक्तियां हैं जिसकी वजह से उसने उसे टच किया और उसे गोली नहीं लगी। उस लड़की से कहता है कि उसके पास कार है तो वो उसके साथ चले और वो दोनों उस बंदे की कार में बैठ जाते हैं। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो बंदा कौन था, तो वो उसे सारी बात बताता है। जेम्स उससे पूछता है कि आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया कि उस बंदे ने उस पे गोली चलाई और उसे गोली तक नहीं लगी। तो लड़की उससे कहती है कि उसे कुछ भी बात याद नहीं आ रही है, तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगी। उसके बाद जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी अपने आप ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन उन दोनों को वहां पे कुछ भी नहीं होता क्योंकि जेम्स ने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ था। ये देख के वो समझ जाता है कि वो लड़की अमर है और वो कभी मर नहीं सकती। उसके बाद हमें 3 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें ये बताया जाता है कि जेम्स यहाँ तक कैसे पहुंचा। 3 दिन पहले जेम्स अपने दोस्त के साथ स्ट्रीट्स पे था और उन दोनों ने फैसला किया था एक ड्रग लॉर्ड का ट्रक चुराने का जिसके अंदर बहुत सारा सामान था जो कि उन्हें अमीर बना सकता था। जेम्स के पिता एक बुरी बीमारी से जूझ रहे थे, इसीलिए उसने प्लान बनाया था ताकि वो अपने पिता को ठीक कर सके। जब जेम्स और ट्रक लेके वहां पे पहुंचे तो उसके कॉलीग को उन लोगों ने पकड़ लिया और वो ट्रक लेकर वो लोग चले गए और जेम्स को वहीं पे छोड़ दिया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जेम्स अपने उस पार्टनर को फोन करता है और उसे कहता है कि क्या वो चुराने में कामयाब रहा, तो वो उससे कहता है कि उसके पैसे उसके पास पड़े हैं तो जल्दी से आके उन्हें ले जाए। जेम्स उससे कहता है कि अभी वो अपने पिता के पास जा रहा है उन्हें देखने के लिए और कुछ देर में वो वहां पर आएगा ताकि वो पैसे ले सके। उसके बाद जेम्स अपने पिता के घर जाता है जहाँ पे एक नर्स उसका ख्याल रख रही थी। उसका पिता उसे देखकर खुश होता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने अपनी ये हालत कैसे बना ली। जेम्स उससे कहता है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है और फिर वो उस लड़की को देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन है। जेम्स उससे कहता है कि वो उसकी दोस्त है और वो यहाँ पे उसे लेकर आया है ताकि वो उनसे उन्हें मिलवा सके। तभी उसके पिता की हालत खराब होने लगती है जिससे वो डर जाता है और नर्स को वहाँ पे बुलाता है और उससे कहता है कि वो उनका ख्याल रखे। उसके बाद वो उस लड़की के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। जब वो रोड पे चल रहे होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं कि आगे वो दोनों क्या करेंगे, लेकिन तभी उस ड्रग लॉर्ड का एक आदमी उन्हें देख लेता है जो कि अपनी गाड़ी उन दोनों पे चढ़ा देता है, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है और वो बाहर निकल के उनको शूट करने लगता है, लेकिन उससे भी उन्हें कुछ असर नहीं होता। तभी वहां पे एक दूसरा बंदा आता है और उन दोनों से कहता है कि वो उसकी गाड़ी में बैठ जाए क्योंकि बॉस उनसे मिलना चाहता है। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसका माल जेम्स ने चुराया था और उसके सामने उसका एक क्लाइंट बैठा होता है जिसने टाइम पे उसके पैसे नहीं दिए होते हैं। उस क्लाइंट से पूछता है कि आखिर वो उसके पैसे कब लौटाएगा, तो क्लाइंट उससे कहता है कि उसे 1 साल लग जाएगा उसे लुटाने में क्योंकि वो पूरी तरह दिवालिया हो चुका है। ये सुनकर उस ड्रग लॉर्ड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार मंगाता है और उससे उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी जेम्स वहां पे पहुंचता है उस लड़की के साथ और ये देखकर वो समझ जाता है कि उसका भी यही हाल होने वाला है। वो ड्रग लॉर्ड उन दोनों को खाना खिलाता है और पूछता है कि आखिर उसका माल कहाँ पर है। तो जेम्स उससे कहता है कि जरूर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था जो कि उसका सामान चुराता। तभी वहाँ पे उस ड्रग लॉर्ड की बहन आती है जिसका नाम होता है निकॉन और वो उस लड़की की फोटो लेती है और उससे जोफिया कह के पुकारती है। जिसे उनके वो लड़की और जेम्स हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता चला। वो गुंडा जेम्स से कहता है कि वो उसे कुछ समय का टाइम दे रहा है और अगर वो उसका सामान वापस नहीं लाया तो वो उसे मार डालेगा। तभी जेम्स वही ट्रक देखता है तो वो जोफिया के साथ उसे चुरा के वहां से भागने लगता है और उस गुंडे के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। वो ट्रक को चुरा के एक सेफ जगह पे ले आता है जिससे वो बंदे उसे नहीं ढूंढ पाते। तभी उसे ट्रक के कंटेनर के अंदर से कुछ आवाज आती है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक लड़की उसके ऊपर आ गिरती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी उसके अंदर से ढेर सारी लड़कियां निकलती हैं जिन्हें उन लोगों ने मार्क कर रखा था और वो लोग उनकी ट्रैफिकिंग कर रहे थे। उनमें से एक लड़की जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड होती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और याद करता है कि कैसे वो लोग साथ में वक्त बिताया करते थे। उसे गर्लफ्रेंड उसे वहां पे देखकर उससे कहती है
है कि क्या वही बंदा है जिसने उन्हें किडनैप किया है। तो उससे कहता है कि वो उन लोगों से बिल्कुल भी मिला हुआ नहीं है। वो अपनी एक्स से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उन सबको यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाएगा, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत है तो उन्हें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। कुछ लड़कियां उसकी एक्स से लड़ने लगती हैं और वो कहती हैं कि वो इस बंदे पे भरोसा नहीं करेंगी, और वो लोग अपना ग्रुप बना के उनसे अलग हो जाती हैं। बाकी जो लड़कियां वहाँ पे मौजूद होती हैं उन्हें जेम्स पे भरोसा होता है और वो कहती हैं कि वो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुँचाए, क्योंकि उन लोगों ने उनके पेट के अंदर कुछ डाल रखा है जिसे वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में निकलवाना चाहती हैं। फिर एक लड़की भाग के एक घर के बाहर पहुँचती है जो कि उस गैंग मेंबर का घर था, और वो वहाँ पे आके उनसे कहती है कि वो जल्दी से दरवाजा खोले और उसके पेट के अंदर जो भी है वो उसे निकाल दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो बाकी लड़कियों का पता बता देगी। इस उनके दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है। इधर जेम्स सारी लड़कियों को वापस से अंदर कंटेनर में बैठने के लिए कहता है और फिर वो ट्रक को चलाने लगता है ताकि वो हॉस्पिटल पहुंच सके। इधर लड़की जब अंदर आती है तो वहाँ की मालिक उससे पूछती है कि वो लड़कियाँ कहाँ पर हैं और वो उन्हें वहाँ का पता बता देती है। उसकी मालिक की आवाज़ सुन के हम समझ पाते हैं कि वो एक छोटी सी बच्ची है जो कि उस गैंग को चलाया करती है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से उन लोगों का पीछा करें और सभी अपनी कार लेके निकल जाते हैं बाकी लड़कियों को ढूंढने के लिए। वो छोटी लड़की उससे कहती है कि अब उसने उनका पता बता दिया है लेकिन वो उसकी मदद नहीं करने वाली, और तभी वो एक बटन दबाती है जिससे उसके सामने बैठी लड़की ब्लास्ट हो जाती है, यानी उनके पेट के अंदर उन्होंने एक बॉम्ब फिट किया हुआ था जिसके एक बटन दबते ही वो लड़कियां मारी जाती। इधर जेम्स सभी लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है और उसके बाद वो उनसे कहता है कि वो जल्दी से अंदर जाएं और अपना इलाज कराएं। जब सारी लड़कियां अंदर जा रही होती हैं तो एक एक करके सभी ब्लास्ट होने लगती हैं, जिसे देखकर जेम्स और जंडाया हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है कि वो उन लड़कियों की मदद नहीं कर पाए। तभी वहाँ पे वो छोटी लड़की के गैंग मेंबर आते हैं और उन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं, और उसके बाद हमें वो छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि खून से लथपथ थी, लेकिन वो एक क्रीपी लड़की थी जो कि हंस रही थी। इधर बाकी लड़कियां जो अलग भागी होती हैं वो सब भी ब्लास्ट होकर मारी जाती हैं, और जेम्स और जंडाया को एक जगह पे ले जाया जाता है जो कि एक खंडर था। जेम्स को जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पे उसका दोस्त भी मौजूद था, और जेम्स उससे पूछता है कि वो कैसा है। उसका दोस्त उसे बताता है कि इन लोगों ने उसे बहुत ही मारा है और यहाँ पे कोई वेपन भी नहीं है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से भाग सके। तभी वहाँ पे वो छोटी लड़की आती है जो कि जेम्स से कहती है कि वो सच उगल दे कि आखिर उनका सामान उसने कहाँ पर रखा है। तो जेम्स उससे कहता है कि उसके दोस्त को ये बात पता होगी। तभी वो लड़की उसे ऑर्डर देती है कि वो दोनों आपस में लड़े, जिसे जेम्स समझ जाता है कि उसका दोस्त भी उससे मिला हुआ है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और जेम्स पूरी तरह पिटने लगता है, पर तभी जेम्स जंडाया को देखता है जो कि बाकी लड़कियों को छुड़ा के वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंडाया ने बाकी लड़कियों को कैसे छुड़ाया। इधर जंडाया को लेके वो लोग जब उस जगह पे पहुंचे थे तो उसे उन्होंने जेल में डाल दिया था जहाँ पे बाकी लड़कियां मौजूद थी। वहाँ पे एक डॉक्टर था जो कि बहुत ही साइको डॉक्टर था, और वो एक लड़की को बाहर लाया और उसके अंदर उसने वो बॉम्ब प्लांट किया। उसके बाद उसने कहा कि अगली लड़की कौन आएगी, तो जंडाया ने वॉलंटियर किया और वो बाहर आई, और डॉक्टर ने जब उसके अंदर वो प्लांट करना चाहा तो उसके सारे इक्विपमेंट्स ही टूट गए, मानो कि उसकी बॉडी लोहे की बनी हो। ये देख के डॉक्टर हैरान हो गया और जंडाया ने सब पे हमला कर दिया, और ये करके उसने उसके सभी साथियों को मार गिराया। उसने डॉक्टर का गला काट दिया जिससे उसका खून निकलने लगा, और उसके बाद वो बाकी लड़कियों को छुड़ा के वहां से बाहर निकल गई। अगली सुबह जंडाया निकॉन के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता, तो वो उसे बताती है कि उसके पास कोई आम कैमरा नहीं है, वो कैमरे में जिसकी फोटो खींचती है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है। ये सुनकर वो उससे कहती है कि वो उसका कैमरा देखना चाहती है, लेकिन निकॉन ऐसा नहीं करना चाहती थी इसीलिए वो वहां से भागने लगती है। जंडाया उसका पीछा करती है और किसी तरह उसे पकड़ लेती है, और उसे कैमरे के अंदर फोटोज देखकर वो समझ जाती है कि आखिर वो कौन है। उसे एक बूढ़ी लेडी की ड्राइंग नजर आती है और वो समझ जाती है कि उसे उस लेडी से मिलना ही होगा ताकि वो सच जान सके कि आखिर वो जिंदा कैसे बची। इधर वो छोटी लड़की जेम्स को प्रताड़ित करती है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देती है, और वो उससे कहती है कि अब उसकी मौत निश्चित है क्योंकि नदी का पानी ऊपर आने ही वाला है जिससे वो सांस नहीं ले पाएगा और मारा जाएगा। तभी पानी अचानक ऊपर आने लगता है। इधर जंडाया कैमरा में देखती है कि जेम्स की हालत खराब हो रखी है, इसीलिए वहाँ पे पहुंच जाती है उसे बचाने के लिए। जब जेम्स पानी में डूबने लगता है तो जंडाया वहाँ पे आके उसे पकड़ लेती है जिससे वो अंदर सांस ले पाता है। जब छोटी लड़की वहाँ से चली जाती है तो जंडाया उसे छुड़ाती है और उसे सतह पर लाती है। जेम्स उससे कहता है कि वो बुरे काम इसीलिए कर रहा था ताकि वो अपने पिता की बीमारी को ठीक कर सके, लेकिन अब वो नाकामयाब हो गया है और उसके पिता अब नहीं बच पाएंगे। वो जंडाया से पूछता है कि आखिर वो है कौन। जंडाया उसे बताती है कि एक विच ने उसके ऊपर एक कर्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से वो अमर है और वो कभी मर नहीं सकती। उसकी उम्र एकदम रुक गई है और अभी वो 90 साल की हो गई है और वो अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपनी मुक्ति चाहती है, लेकिन उसे कर्ज किसी और को देना होगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद दोनों उस विच के पास जाते हैं जिसने वो कर्ज उसे ट्रांसफर किया था। वो एक हॉस्पिटल में थी और जंडाया को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर वो रेगुलर और छोटी लड़की गैंग हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है ताकि वो उन दोनों को वहां पे जान से मार सके। वो विच उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा जिंदा रही है। उसी हॉस्पिटल में जेम्स का पिता भी भर्ती हो
होता है। तो जेम्स अपने पिता को उनके पास लाता है और उनसे कहता है कि वो अपना कर्ज उसके पिता को दे दें ताकि वो अमर हो सके और हमेशा जिंदा रह सके। तभी वहाँ पे वो गैंग मेंबर्स उन पे गोली बरसाने लगते हैं और एक एक करके वो अंदर आके पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को मार डालते हैं। जेम्स के पिता अपनी नर्स को ऑर्डर देता है कि वो सबको खत्म कर दे, तो वो एक गन लेकर बाहर जाती है और सबको एक एक करके मारने लगती है। वो विच मरते हुए जंडायो को एक स्पेल बताती है जिससे कि वो उस कर्ज को किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर सके और उसके बाद उस विच की मौत हो जाती है। जेम्स जंडाया का हाथ पकड़ के बाहर निकलता है और जब उस पे गोली लग रही होती है तो उसे कोई भी असर नहीं होता। तभी उसका पिता गन लेकर बाहर निकलता है और उसको देखकर सभी लोग गोलियां रोक देते हैं। वो अपनी गन लेकर उस छोटी लड़की और ड्रग लॉर्ड के पास जाता है क्योंकि उसे बॉस कह के पुकारते हैं और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो उन दोनों को शूट करके मार डालता है। जेम्स अपने पिता से पूछता है कि ये क्या था, तो वो उसे बताता है कि ये सब उसी की प्लानिंग थी। उसने ही सब कुछ प्लान किया था ताकि वो वहां तक पहुंचे और वो इस लड़की से उसका कर्ज उसे दे दे ताकि वो जिंदा बच सके और अपना धंधे को और ज्यादा आगे सके। ये सुनकर जेम्स हैरान हो जाता है और वो जंडाया से कहता है कि वो इसे बिल्कुल वो कर्ज ना दे। लेकिन उसका पिता को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस लड़की से कहता है कि वो जल्दी से उसके कान में स्पेल बोले। जंडाया ऐसा कुछ भी नहीं करती और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और उसका पिता उससे भीख मांगता है लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनता। अगली सुबह हम निकॉन को देखते हैं जो कि वहां पे मरे हुए लोगों की फोटो ले रही होती है और जब वो छोटी लड़की के पास पहुंचती है तो छोटी लड़की उठ जाती है जो कि अभी जिंदा होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके ऊपर भी वो कर्ज है। यानी असल में उसकी उम्र बहुत ही बड़ी है लेकिन वो छोटी उम्र में वो कर्ज को ले ली थी जिसकी वजह से उसकी हाइट वहीं पर रुक गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।